Hello everybody, this is Pradyumna Gaurav and you are watching my channel as usual, जिसका नाम भी प्रद्युम्न गौरव है। आज से यार साइकिल है हॉस्पिटल सर्जरी की, और चार दिन की साइकिल है क्योंकि पिछले सेमेस्टर में आधी हो चुकी है और अभी इनके जाचोद हो जाएंगे, मतलब एग्ज़ाम, क्योंकि आखिरी आखिरी में सिर्फ मेन मेन एग्ज़ाम के होते हैं, इसलिए तो कुछ जो होंगे वो हमारे अभी हो जाते हैं और उसके बाद फिर बाद में हमको ना साइन लेने जाना पड़ता है बस, तो ये चीज़ है। तो इसलिए सैटरडे को इसका भी हॉस्पिटल सर्जरी का भी हो जाएगा। अब सर्जरी तुम बोलोगे या पिछले साल भी हुआ था, तो यार वो फैकल्टेटिव सर्जरी थी, हॉस्पिटल सर्जरी दोनों थोड़े थोड़े अलग है ना, ऐसा कुछ है। और आज का पहला टॉपिक हम लोग का पोर्टल हाइपरटेंशन है। तो पोर्टल हाइपरटेंशन बता दूँ कि जो लिवर की तरफ जो मेन वेन आती है ना, पोर्टल वेन, उसका प्रेशर बढ़ जाता है ड्यू टू प्री हेपेटिक, इंट्रा हेपेटिक और एक्स्ट्रा हेपेटिक कॉजेस या पोस्ट हेपेटिक कॉजेस या साइनोसॉइडल कॉजेस बहुत सारे होते हैं। बट चेरी सिंड्रोम हो गया, तो पोस्ट हेपेटिक हो गया, फिर मतलब बहुत सारे, अगर प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया, इन सब के चक्कर में प्रेशर बढ़ता है, जैसे कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती हैं, ये सब होता है। और इनकी कुछ सर्जरीज होती हैं जो कि सिलेक्टिव होती हैं, नॉन सिलेक्टिव वैसे टाइप में, तो वही सब आज डिस्कशन होगा क्लास में। सर काफ़ी अच्छा है, मतलब बोलता तो रशियन है बट समझ आ जाता है यार तब भी, तो ऐसा कुछ है। और हॉस्पिटल हम लोग का है, ओरनबुर्ग का है, क्लिनिचिस का है, अगर बलनीत सा नंबर अधीन वहाँ पे क्लासेस हो रही है, तो तुम्हें दिखाता हूँ कैसा क्या है, तो मैं समझ आ जाएगा कहाँ का मैं बताना चाहता हूँ, ठीक। तो यार कई बार क्या होता है कि हमको ना बस दूसरी जगह से पकड़नी पड़ती जहाँ हम पैथरोज के लिए सामान लेने आते, क्योंकि 158 ना वहाँ सुबह सुबह आती नहीं है और सुबह की टैक्सी होती है महंगी, इसलिए हम आते हैं पास वाले बस स्टॉप में, जो मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ वहाँ पर, जिससे कि हमको बस मिल सके। ये देखो ये वाले बस स्टॉप में आ जाती है बस, इसलिए हम यहाँ से आ जाते हैं। फिर कॉलेज लगता है, जैसे ये ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है, दिख गया होगा तुम्हें, ये भी एक हॉस्पिटल है, यहाँ पे थर्ड ईयर में लगती है क्लासेस, और मतलब पीछे उसके, फिर इसका देखो रहेगा। तो ये है हॉस्पिटल यार, जहाँ पे हमको आना पड़ता है हॉस्पिटल सर्जरी के लिए। अब दिखाता हूँ अंदर से, आधा पीछे आधा आगे है ये, है ना। ये है यहाँ का गार्डरोब, ये देखो एक शीशा भी दिया है यहाँ पे, जहाँ पे तुम अपनी शक्ल ताड़ सकते हो। अब ऐसे ही लेट चल रहे हैं आज तो क्लास के लिए, तो चलो चलते हैं ऊपर। ओके, बस यही है हमारी क्लास, नहीं आए होगा सर तो अच्छी बात है, और आ गए होंगे तो लग जाएगी, यही तो है इधर ही ये रूम है। ये देखो यहाँ बैठता है मास्टर दो कंप्यूटर के साथ, और ऐसा कुछ लगा रहता है।
ऐसी सी क्लास होती भाई हमारी, कुछ बहुत हाई फाई क्लास नहीं होती रशिया में, बिल्कुल ये नॉर्मल से चार्ट लगे रहते हैं, टूटी फूटी बेंचेस रहती हैं, और ये बस फालतू का। कुछ कुछ हॉस्पिटल हैं यहाँ के बड़े अच्छे, जैसे अभी तो यहाँ खाली है, ओरनबुर्ग का सुदासा मेडिकल एकेडमी, पहले एकेडमी था ये, अभी मतलब बहुत साल पहले यहाँ के जितने कॉलेज थे एकेडमी बोलते थे, अब तो यूनिवर्सिटी बोलने लगे, पहले ऑर्गमा था, ऑर्गमू हो गया। ये सब रशियन में लिखा है, तो ये सब मत समझना, यहाँ पे रशियन में टीचिंग होती इंग्लिश में ही है, ठीक है? तो फालतू में गलत मत सोचना। मेरे से एक दो बच्चे बोले थे ये लिखा रहता है तो पढ़ाते भी उसी में, क्या ऐसा नहीं है, नॉर्मल है, इंग्लिश में पढ़ाते हैं भाई। हो गई है मेरी क्लास और पहुंच गया हूं मैं जस्ट घर में ही, अभी अभी बस से आया हूं, तो रखता हूं बस यार, ठीक है? 2 दिन बाद वो है तो जाचो दे, मतलब टेस्ट ही जो मैंने बता दिया है, तो उसी के लिए अभी भाई सैटरडे को है तो उसके लिए पढ़ेंगे और फिर हो जाएगा। और तुम्हें एक BMW की अच्छी सी गाड़ी दिखाता हूँ, बाइक ये देखो है ना तगड़ी। तो चलो मिलते हैं कल, गुड नाइट भाई, जाके खाना ना खा के सो जाएंगे, कल मिलते हैं सैटरडे को जिस दिन एग्ज़ाम रहेगा।